पास से गुजरते हुए लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे हाय बच्ची चेक कर यार। वो उस वक्त मेट्रो स्टेशन पर खड़ी अपनी सहेलियों के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी जब अल्फाज अचानक उसकी समातों से टकराए थे। क्या बेहूदगी है, शर्म नहीं आती, भूखे हवस परस्त जाहिल इंसान। उसने गुस्से से लड़के को एक ही सांस में काफी सुना डाली, मगर लड़के ने महज कहके पर इक्तफा किया और वहां से रफू चक्कर हो गया। मोहतरमा, आपसे एक दरख्वास्त है। उसी लम्हे एक और मर्दाना आवाज उसे अपने अकब से आती महसूस हुई। जी कहिए। उसने गुस्से से नाक चढ़ाते हुए रुख मोड़कर पीछे मौजूद मामूली शक्लो सूरत के लड़के को सर तपैर देखा। क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। लड़के ने उससे नजर मिलाने से खुद को बाज रखा। जी कहिए। नायला ने उसको इजाजत देते हुए यही समझा कि शायद ये भी उन्हीं मर्दों में से एक है जो उसके हुस्न का असीर बन गया है और अब दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। मैं अभी कुछ देर पहले होने वाले वाक्ये का ऐनी शाहिद हूँ। बिलाशुबा आप पर कसे जाने वाला जुमला किसी तौर माकूल नहीं था, मगर फिर मेरी समातों से आपके अल्फाज टकराए जो कि आपका रद्दमल था। आपने उस लड़के को भूखा और हवस परस्त कहा। ठीक, बहुत सही कहा आपने, बेहतरीन। हम मर्द बुरे, हवस परस्त, घटिया, भूखे, जिस्म के पुजारी, गंदी नजरों और गंदी सोच के हामिल, बेशरम, नीच, लफंगे और वो सब जो लुगत में किसी बुराई की वजाहत के लिए मौजूद है, सब हम ही से मुंसलिक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी भूख की इश्तिहा कौन बढ़ाता है। तो चलिए जरा खुद को देखिए बीबी, ये आपके चेहरे पर इधर उधर मचलती गुस्ताख सुल्फें, ये उठती गिरती फितना परवर आंखें, इनमें लगी काजल की धारी और उन पर हुआ मेकअप, होंठों पे लगी ये तेज चिंघाड़ते लिपस्टिक, गर्दन में रस्सी की तरह लटकता दुपट्टा, आगे और पीछे की तरफ से नीचे की तरफ ढलकता गला, आधी आस्तीनों से झांकते आपके बाजू, बारीक कमीज से नजर आने वाला हर एक उज्व, पिंडलियों से नीचे बरहना हिस्से पर लटकती मटकती ये पायल और इसकी छनकार, हील की टक टक, ये सब, ये सजी सजाई प्लेट, यही तो हमारी भूख बढ़ाती है। हम होते हैं भूखे, मगर इस भूख को हवा भी आप जैसी औरतें देती हैं। मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूं, जब भी मैं अपनी हम जमात लड़कियों से उनके लिबास से मुतालिक कुछ कहता हूं तो वो मुझे कहती हैं कि शर्म आंखों में होती है, लिबास कैसा भी हो, और वैसे भी हमारा जाती मसला है। तब मैं हैरान होता हूं कि वाह क्या बात है, मसला जाती है और गुनाहगार हमें बना रही हैं। हैरत होती है मुझे ऐसी हालत देखकर। मेरे मालिक के एकामात की धज्जियां उड़ाना ना औरत के लिए जायज है ना मर्द के लिए, फिर ये कौन सा फैशन है जो हमें फिर से पत्थर के जमाने में धकेल रहा है जहां लोग लिबास से महरूम थे। मैं यहां खड़ा उस ओबाश लड़के का दिफा नहीं कर रहा हूं, हां मगर आपकी कही गई बात की वजूहात बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सजना छोड़ दें, नहीं बिल्कुल नहीं। औरत बगैर सिंगार के ऐसी है जैसे बंजर जमीन, मगर खुदारा अपने हुस्न के नज़ारे उसे दिखाइएगा जो चार लोगों की मौजूदगी में कबूल है कहकर आपको अपनी निस्फे बेहतर चुने। मुफ्त में दावत नज़ारा देती रहेंगी तो ऐसे ही हैवानों से पाला पड़ता रहेगा और वो ऊपर वाला वो भी तो नाराज़ हो जाएगा। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, मैं माज़रत चाहता हूँ।
हुयूर ने पास आकर रुकने वाली बस को देखकर बात मुकम्मल की और बस में सवार हो गया। नायला के पांव निदामत के एहसास से भारी हो रहे थे। गर्दन यूं झुक चुकी थी कि दूर से खड़ा इंसान उसे देखकर यह अंदाजा लगा बैठे कि उसकी गर्दन है ही नहीं। आपने बस के अंदर जाना है? वहां मौजूद लड़की की आवाज ने उसे मुतवज्जे किया था। उसने आहिस्ता से झुककर पायल उतारी, ऊपर उठकर टिश्यू पेपर से लिपस्टिक साफ की, दुपट्टे को सर और कंधे पर फैला दिया और बस में दाखिल हो गई। दोस्तों, इस कहानी में तमाम लड़कियों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, कौन कैसे खुद को पेश करता है और किसी के लिए दावत बनता है।